ABCD is a square and BCE is an equilateral triangle such that E lies outside the square. So this is a square ABCD. E is a point such that BCE is an equilateral triangle. तो यहां पे एक पॉइंट है E और BCE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DEC, मतलब हमें इसे ज्वाइन करना पड़ेगा. ठीक है ना. अभी देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड और साइड स्क्वायर का साइड बराबर है, मतलब दिस इज सेम एज दिस. बात समझ में आ रही है, ये दोनों बराबर है साइड वाइज. तो दिस बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये एंगल है 90 डिग्री और ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 और 60 यानी 90 डिग्री और 60 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो 90 डिग्री और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री. मतलब एंगल सी बिकम्स व्हाट 150 डिग्रीज. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो मतलब बच कितना गया 150 से, 30 डिग्रीज इज लेफ्ट. ठीक है ना, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज बच गया. दीज 30 डिग्रीज विल बी डिवाइडेड टू टू इक्वल पार्ट्स, तो 15 डिग्री और 15 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज व्हाट 15 डिग्रीज. सो द मेजर ऑफ एंगल DEC इज गोइंग टू बी 15 डिग्रीज. फॉर मोर सच वीडियोज ऑन क्वांट एंड वेरियस अदर एरियाज डाउनलोड स्पार्क वीडियो बैंक ऐप.